अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. तो टुडे इज द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर दैट इज द प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी वांट टू डिस्कस फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिलॉसफी और फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप. प्रोडक्ट प्लानिंग बेसिकली द नंबर वन थिंग इज दैट आइडिया स्टेज इज दैट व्हेन यू आर evaluating about the idea, when you are developing anything, when you have the concepts, when you have the kind of the mindset for your product, आप इसको बहुत सी इस तरह से बात कर सकते हैं. जैसे कल हम बात कर रहे थे, मैंने बात की आइडिया पिचिंग की. तो जो आइडिया पिचिंग होता है वो भी बेसिकली यही होता है कि आपके पास एक आइडिया होता है, उसको आप एक फोरम पे डिस्कस करते हैं और उसके साथ अपने आइडिया को शेयर करने की कोशिश करते हैं. बुक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको बुक्स में मिलेगा एक वर्ड आपको नजर आएगा जिसको आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं. और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है वो भी यही होता है कि एक आइडिया है एंड वो आइडिया जो है हम अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ डिस्कस करते हैं और वो हमें फिर उस आइडिया के बारे में बताते हैं कि जी आपका आइडिया जो है वो किस तरह का है और आपका आइडिया जो है वो एक पार्टिकुलर सिटी में, एक पार्टिकुलर एरिया में, रीजन में चल पाएगा, नहीं चल पाएगा एंड दिस ऑल काइंड ऑफ दिस स्टफ जो हम आइडिया की में बात करते हैं या व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द आइडिया स्टेज की हम बात करते हैं. देन द लेटर ऑन द नेक्स्ट स्टेप इज द कॉन्सेप्ट स्टेज. द कॉन्सेप्ट स्टेज इज द लैब डेवलपमेंट evaluation. The next stage is, this is also the kind of the evaluation जो होती है, lab development होती है. Lab development ये है कि हम इसको lab में test करते हैं. For example, let's suppose machinery से related है, कोई innovative product है, let's suppose कोई software development की बात हो रही है, कोई you can say that कोई electrical engineering का project है, कोई उससे related projects पे discussion होती है, तो वो सारी चीजें lab में test होती हैं. उसकी lab में test होती है, उसमें लैब में उसको इवेल्युएट किया जाता है और उसको प्रॉपरली देखा जाता है कि लैब में उसको उसकी टेस्टिंग की जाती है और उसको प्रॉपरली असेस किया जाता है कि क्या ये फंक्शनल है कि नहीं है. फंक्शनल व्हाट काइंड ऑफ द रिक्वायरमेंट्स दैट वी नीड लेटर ऑन टू मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, ये सारी बातें हम लैब में फिर उसको फर्दरली इवेल्युएट करते हैं. द थर्ड स्टेज इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज इज द पायलट प्रोडक्शन. Product development stage, when you develop the idea, when you have the concept of the idea of the product, then you can go further for the product development as well. Product development means that ke aap usko check karte hain, uska survey karte hain. Survey is also going for the test marketing, but prior hum usko pilot testing bhi karte hain, pilot production bhi banate hain. For example, एक बैच बनाया है 1000 के यूनिट्स के लिए, 100 यूनिट्स जस्ट फॉर द अदर काइंड ऑफ द एक्टिविटीज के लिए हम करते हैं. तो वो बेसिकली यही होता है कि उसमें पायलट प्रोडक्शन में यही होती है कि बेसिकली हम उसको चेक करते हैं, 100 यूनिट्स बना लेते हैं एंड देन 100 यूनिट्स को फिर चेक करते हैं कि कहीं पे कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो नहीं रह गया, कहीं पे इन केस ऑफ द फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाई है तो कोई टेस्ट का इश्यू तो नहीं रह गया, लोगों को किस तरह से उस पे रिस्पांस आ रहा है, हाउ द कंज्यूमर्स, हाउ द पीपल आर रिएक्टिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, क्या टेस्ट को लेके कैसे रिस्पांस करते हैं एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो है, ये जो चीजें आती हैं ये पायलट प्रोडक्शन में आती है. लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम कोटिंग एग्जाम्पल ऑफ द, लेट्स सपोज द प्रोडक्ट ऑफ द एबट, द पीडियाश्योर की अगर मैं बात करता हूँ, उसमें जो बच्चों के लिए उन्होंने एक फ्लेवर्स बनाए हैं, तो उसमें जो चॉकलेट फ्लेवर्स हैं, सम अदर्स जो उसमें फ्लेवर्स हैं, तो उस पे उस पे उसकी जो पैकेजिंग है और उसके उसके आप अगर उसका वो बॉक्स देखें तो उसमें बाकायदा से लिखा हुआ है कि ये चाइल्ड अप्रूव्ड टेस्ट की बात वो करते हैं. इट्स मीन्स दैट के जब वो टेस्ट या वो प्रोडक्ट बना तो उससे पहले उन्होंने उसको टेस्टिंग की थी, उससे पहले उसको प्रॉपरली चेक किया था बच्चों को देख के एंड देन उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट जो है फिर मार्केट में लेटर ऑन जो है वो आया. टेस्ट मार्केटिंग भी इसी तरह से ही होती है.
टेस्ट मार्केटिंग सेमी कमर्शियल प्रोडक्शन एवेल्यूएशन में आता है। टेस्ट मार्केटिंग में भी यही है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज तो ये है कि आप स्टार्ट में उसको करते हैं। अब टेस्ट मार्केटिंग में ये है कि आप मार्केट में अवेलेबल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया है, इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है एंड नाउ पीपल आर यूजिंग इट, नाउ पीपल आर गिविंग कमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट। लेट सपोज जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ पिशावर में अगर हम बात करते हैं तो पिशावर में लेट सपोज नया टेल सर्विस है या लेट सपोज स्टॉम फाइबर की सर्विस है, तो वो कुछ लिमिटेड एरियाज में है। फॉर इंस्टेंस वी कैन से डैट इनिशियली वो सिर्फ और सिर्फ हयातबाद में थी, देन फर्दर मूविंग टू दी सदर एरिया एंड देन लेटर ऑन जो है वो बाकी एरियाज में चली गई, मूव अप कर गई। तो ये जो चीज होती है इसको हम टेस्ट मार्केटिंग स्टेज कहते हैं, ये टेस्ट मार्केटिंग स्टेज में होती है एंड देन लोगों की फीडबैक आई, लोगों ने उसको लाइक किया, नया टेल हो गया या स्टॉर्म फाइबर जो कंपनीज है उनके हो गए या सम अदर्स ब्रांड्स में जिस तरह से है, तो उसमें फिर वो टेस्ट मार्केटिंग जब लोग लाइक करते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। एंड देन कमर्शियल स्टेज इज द काइंड ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट स्टेज वेयर यू कमर्शलाइज योर प्रोडक्ट, यू पेटेंट योर प्रोडक्ट, यू रजिस्टर्ड योर प्रोडक्ट, you advertise your product, you can say that you can give the ultimate information to the audience. हम यहाँ पे marketing के concept में ये कहते हैं कि उसको हम penetration कहते हैं। Commercial stage is another term. Yesterday I also used this word, but यहाँ पे मैं अब इसको कहता हूँ market penetration का word मैं use कर रहा हूँ। Market penetration का मतलब ये होता है कि आप initial stage में इतनी advertisement करते हैं, इतने ज्यादा उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि लोगों को उन प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाए, लोग उस प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दें या लोगों को उन प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल जाता है। लेट सपोज लाइक द लोकल टीवी एड्स, यू कैन से डैट लोकल कमर्शियल एड्स जो हमारे केबल टीवी नेटवर्क्स पे आती हैं, लेट सपोज यू कैन से डैट जो कमर्शियल एड्स चलते हैं हमारे नेशनल टेलीविजन चैनल्स पे, you can say that jo print media hota hai, that print media can also facilitate for that commercialization purposes, and then further moving on to if you can say that billboards aapne dekhe honge Peshawar mein bhi, aapne bahut large billboards dekhe honge, ye sari cheeze commercial stage mein aa gayi hain, ye sari cheeze commercial stage mein aa gayi hain, prior before ye sari testing ho chuki hai, taste stages se wo guzar chuka। Recently, all of you know that COVID is already, everyone is known about that, the COVID and iske bare mein sabko pata hai. And then the vaccination is also on the stage of the concept stage and the lab development stage pe hai. Bohut sare areas mein wo pilot production pe bhi chali gayi hai aur bohut sare area mein wo test marketing stage pe bhi chali gayi hai. तो दुनिया में अब वो पहले एक आइडिया बना, फिर वो कॉन्सेप्ट हुआ, लैब डेवलपमेंट में गई वो प्रोडक्ट्स, उसको लैब में टेस्ट किया गया, उसके डिफरेंट टेस्ट किए गए, उसकी क्वालिटी को चेक किया गया, उसके साथ जितनी केमिकल कॉम्बिनेशंस की गई उनको चेक किया गया, फिर पायलट प्रोडक्शन बनाई गई, फिर उसके अकॉर्डिंगली पता चला कि ये कितना फिजिबल है, कितना यू कैन से डैट यूजफुल है एंड दिस ऑल दैट काइंड थिंग। अच्छा, नाउ coming to the another part of this slide is the introduction, growth, maturity and decline. Why I add this thing? ye maine kyun add kiya hai, ye aapki book mein jo maine book suggest ki hui hai us book mein to hai, but originally isko hum entrepreneurship ke sath isliye link karte hain because when you talking about the entrepreneurship, so entrepreneur without marketing entrepreneurship cannot excel, entrepreneur cannot you can say that retain in the market for a larger period of time, marketing badi zaruri hoti hai. To ye jo introduction, growth and maturity and decline ki baat ho rahi hai, ye kya cheez hai basically? Introduction, growth, maturity and decline ka matlab ye hota hai, when you are designing a product initially, when you are designing or when you have in the stage of the test marketing stage, where wo jab aap commercialize mein bhi aa chale jate hain, तो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इन अदर टर्म्स क्वेश्चन मार्क, इसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। मैं एक रेफरेंस मटेरियल में आज इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके साथ इसमें डिटेल में शेयर कर दूंगा या मैं आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा
तो आपको वो वहां से और ज्यादा मटेरियल मिल जाएगा ये इंट्रोडक्शन ग्रोथ और मेच्योरिटी और डिक्लाइन के बारे में, अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन रह गई. इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दिस कॉन्सेप्ट. इंट्रोडक्शन को इन अदर टर्म्स हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं. द क्वेश्चन मार्क मीन्स दैट द प्रोडक्ट इज एट दैट स्टेज वेयर द मैन्युफैक्चरर डोंट नो के दिस प्रोडक्ट विल सेल आउट, this product will be the customers can buy this product or not buy this product. तो ये introduction होता है और इसको question mark भी कहा जाता है. For example, आपने जो भी product बनाया है आपको ये नहीं पता चल रहा initial stage में कि कितने लोग इसको खरीदेंगे. Although you are going through with the process of the pilot production, you are going through with the product with the test marketing, you are go through with the prior stages of the concept stage. आप सब चीजों से गुजर चुके हैं. But still, you as a entrepreneur, as a business manufacturer, you has the kind of the ambiguity. तो उसको हम question mark कहते हैं, उसको हम introduction भी कहते हैं. Then a later period of time, after a certain period of time, let's suppose you can say that after 6 months, after 1 year, or after 2 years, your product is on the growth stage. Growth stage means that इसका मतलब ये हो गया कि introduction पे आपका market share 10% था. ग्रोथ स्टेज पे आपका मार्केट शेयर 30% पे चला गया है, 20% मार्केट शेयर बढ़ गया है. तो आपका दिस मींस दैट फ्रॉम द बिगिनिंग टू नाउ और आफ्टर 2 years और आफ्टर 6 months योर प्रोडक्ट इज नाउ एट द ग्रोथ स्टेज विद द मार्केट शेयर ऑफ द 30%. इट्स मींस दैट कि ग्रोथ शेयर बढ़ गया है, 20% बढ़ गया है, 30% भी सम फर्म्स का 30% भी बढ़ जाता है, कुछ फर्म्स का 30% से भी ज्यादा बढ़ जाता है. कुछ फर्म्स ऐसी भी होती हैं जो इंट्रोडक्शन स्टेज पे ही खत्म हो जाती हैं, लिक्विडाइज हो जाती हैं. उसकी वजह ये होती है कि या तो उन्होंने प्रॉपरली कॉन्सेप्ट स्टेज नहीं किया होता, या प्रॉपरली प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं की होती, या प्रीवियसली इफ यू रिमेम्बर इन द प्रीवियस स्लाइड्स, मैं अगर प्रीवियस स्लाइड से सिर्फ आपको गो थ्रू कर जाऊं, सॉरी ये प्रीवियस स्लाइड्स थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज की हमने बात की थी, एंड हियर वी टॉक अबाउट द टैक्स पॉलिसीज की हमने बात की थी. तो इन सम ऑफ द केसेस, इन सम ऑफ द सिचुएशंस, लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग दैट कि उसको हमने प्रॉपरली लीगली डॉक्यूमेंट करना होता है. एंड इन सम ऑफ द केसेस द फर्म्स कैन नॉट लीगली डॉक्यूमेंटेड देयर फर्म्स आर लीगली दैट नॉट रजिस्टर्ड देयर फर्म्स आर दे नॉट पेटेंट देयर products. So at the stage of the introduction वो खत्म भी हो सकते हैं और खत्म हुए भी हैं. बहुत सी फर्म्स ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी लोकल फर्म्स हैं जो जिन्होंने पेटेंट्स नहीं किया तो दूसरी प्रोडक्ट्स ने उनके नेम्स को जो है कॉपी कर लिया. बहुत सी ऐसी फर्म्स हैं जिसमें लेट सपोज डिजाइनिंग से रिलेटेड फर्म्स हैं, लेट सपोज कमर्शियल प्रोडक्ट से रिलेटेड फर्म्स हैं, लेट सपोज कंसल्टेंसी से रिलेटेड फर्म्स हैं, लेट सपोज जो वेडिंग प्लानर्स हैं या इवेंट प्लानर्स हैं या इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो इंट्रोडक्शन में ही जाके खत्म हो जाती हैं बिकॉज वो ना तो प्रॉपरली रजिस्टर कर पाती हैं और ना ही उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्स मिलता है. एंड देन द ग्रोथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ग्रोथ व्हेन यू आर मूविंग टूवर्ड्स द रिस्पॉन्स when the market giving you the response. Let's suppose that for example in Peshawar Nayatel is now moving from the introduction to the growth stage, wo growth stage ki taraf ja rahi hai. Maturity is the growth jo stage mein hoti hai usko star kehte hain, un firms ko stars kehte hain. Introduction mein maine kaha tha question mark hota hai, growth stage pe jo firms chali jati hain wo firms jo hoti hain wo stars mein convert ho jati hain. Then later maturity is in other terms a cash cow. Usko cash cow bhi kehte hain. Maturity is the cash cow. Usko cash cow ka bhi word use hota hai. I can share you in a very details. Ek detail mein document aapke saath share kar dunga, jo aapke notes purposes ke liye, examination purposes ke liye aapke paas aa jayega. Cash cow ka matlab ye hai ki ye wo firm hai jo matured ho chuki hai. People know about that product. People are now willing to purchase about this product. People are moving towards the shopping malls. Whenever they are visiting to the shopping malls, they know about the product and they willing to buy the product. Let's suppose you can say that, जैसे टपाल टी है,
जैसे कोई भी एनी अदर्स ब्रांड है, नेस्ले के ब्रांड्स जैसे हैं, पीपल नो अबाउट द नेस्ले ब्रांड्स एंड पीपल आल्सो डिमांड दैट नेस्ले ब्रांड्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम द शॉपिंग सेंटर्स, फ्रॉम द शॉपिंग मॉल्स, फ्रॉम द रिटेल शॉप्स. ये सारी चीजें जो हैं ये मेच्योरिटी स्टेज को असाइन करती हैं, या मेच्योरिटी मेच्योरिटी उसका साइन डिक्लेयर करती हैं. जैसे लेट सपोज इन द कॉस्मेटिक्स वैसलीन्स के प्रोडक्ट्स हैं, तो दिस इज आल्सो रिलेट विद द मैच्योरिटी स्टेज और मैच्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स के साथ उसको लिंक किया जाता है. देन डिक्लाइन जो है, डिक्लाइन इन अदर टर्म्स वी कैन से दैट उसको हम डॉग कहते हैं. डिक्लाइन इन अदर टर्म्स इज द डॉग. डॉग मीन्स दैट के उसका मार्केट शेयर डाउन पे जा रहा है, मार्केट शेयर उसका डिक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इनिशियली लेट सपोज 40% ऑफ द मार्केट शेयर था, नाउ डेज उसका मार्केट शेयर 10% रह गया है. तो ये जो 30% उसका डिक्रीज आया है, ये बेसिकली शो करता है कि वो डिक्लाइन में है, वो डिक्लाइन में है कंपनी, और अल्टीमेटली अब लोग उसकी प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद रहे हैं, लोग उनके प्रोडक्ट्स को नहीं बाय कर रहे हैं. नाउ मूविंग फर्दर, मैं क्वेश्चन लेता हूँ. लेट्स एंड ऑफ दिस चैप्टर, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं जो चैप्टर नंबर वन ऑफ द फ्रॉम द कोर्स आउटलाइंस हैं. तो मैं सबके एंड एक एक क्वेश्चन लेता हूँ, आप प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लें. सिक्स सीज दैट मोटिवेट एंटरप्रेन्योर्स चेंज. एंटरप्रेन्योर फ्रीक्वेंटली वांट चेंज, नॉट ओनली चेंज, दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी द बेयरर्स ऑफ चेंज. दे आर द सोल्यूशन गिवर्स एंड वॉन्ट टू इंटरप्ट the status quo. तो ये मैं बात कर चुका था, yesterday we discussed these things, कि entrepreneur जो है वो नई सी नई चीजों को find out करने की कोशिश कर रहा होता है. एंड हमने इस पे बात की थी कि जो entrepreneur होता है वो problems को identify कर रहा होता है. And also, if you people remember it, yesterday we discussed about that the innovation. तो मैंने यही कहा, ये भी बात की थी कि जो इनोवेशन है, दिस इज ऑल्सो द एंटरप्रेन्योर, दिस इज ऑल्सो द वन काइंड ऑफ द एंटरप्रेन्योर. तो ये वो यही बात कर रहा है, चेंज की जो बात कर रहा है वो बेसिकली यही कर रहा है. दैट इज द इनोवेशन एंड द चेंज फैक्टर. स्टेटस को का क्या मतलब है? स्टेटस को का मतलब ये है कि दैट वी नाउ मूविंग फॉर द इंटरप्ट द करंट प्रैक्टिसेस. जो करंट प्रैक्टिसेस को हम चैलेंज करते हैं, जो करंट वैल्यूज को चैलेंज करते हैं, वो स्टेटस को है. उसको आप स्टेटस को खत्म करने को कहते हैं, उसको हम स्टेटस को खत्म करने को की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल यस्टरडे इफ यू रिमेंबर, सॉरी, सो आई टोल्ड यू दैट ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन हु स्टेटिक एज फार एज देयर ऑपरेशन इज कंसर्न, एज फार एज देयर प्रोसेस इज कंसर्न, दे विल अल्टीमेटली फेस टफ टाइम फ्रॉम द मार्केट. तो वो क्या होता है? वो बेसिकली ये होता है कि वो स्टेटस को नहीं खत्म करना चाह रही होती, वो फर्म्स स्टेटस को में रहना चाह रही होती हैं. तो जितनी भी फर्म्स स्टेटस को में रहना चाहती हैं, उन फर्म्स का फ्यूचर जो है वो वनरेबल होता है, वो डैमेजिंग होता है. जैसे नोकिया सेलफोन की जो कंपनी थी वो स्टेटस को में रहना चाह रही थी, दैट्स वाई दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. नाउ द अदर पॉइंट इज द चैलेंज. Some people love challenges and they opt for starting a new business, and as it is very challenging to handle big problems, so that's why these are the one of the other aspects jo motivate karte hain entrepreneur ko. Creativity is also very clear. Yesterday we so very thing about the creativity. Then the other things is the control. Some people tend to start a business because they don't want to be pushed around and work for a product company in which they have no way to shape their destiny. So the thing is that yesterday kisi bache ne baat ki thi ki sir business mein aur entrepreneur mein kya fark hota hai, to usme se usne khud ye baat ki phir ki ji sir hum jab ek business jo decline pe tha aur humne usko jo hai change kar diya aur humne uske liye उसको सक्सेसफुल की तरफ चेंज कर दिया, वो लॉस में जा रहा था, हमने उसको प्रॉफिट में कर दिया. तो ये वही चीज है, दिस इज आल्सो द थिंग्स दैट उसने एंटरप्रेन्योरली चीजों को हैंडल किया, उसने जो है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को यूज किया. टर्न अराउंड स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि जो चैलेंजिंग फेज था, आपने बिजनेस को उस चैलेंजिंग फेज से निकालने की कोशिश की है. तो कंट्रोल से अनकंट्रोलेबल से आपने उसको कंट्रोलेबल फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है. Moving further is थोड़ा सा ही रह गया है. क्यूरियोसिटी,
successful entrepreneurs are always anxious and ask, what if you do X this way? Matlab, they can go further and they ask questions from themselves, and they foresee the futures as well as they ask questions from themselves, and as well as they ask questions from the society, they can ask questions from their colleagues, and they can ask questions from their the other members as well as. So, वो curiosity की तरफ जाते हैं, नए ideas की तरफ जाने की कोशिश करते हैं. In other terms, आप book में देखेंगे out of the box का word use किया गया होगा कहीं पे. Out of the box का मतलब ये है कि नए ideas की तरफ हम जाते हैं, नई solutions की तरफ जाते हैं. Cash, last but not the least part is the cash. Money says it all. ये हम कल बात कर चुके थे. Many non-entrepreneurs have a misconception that cash comes first for entrepreneurs, but this never really true. Yes, this never really true. In most of the cases, struggling phases जब होता है, introduction stage जो होता है, this is the introduction stage. That is a question mark stage. You cannot earn so much money, so you can invest in so many in the projects, in your ideas, but you're not getting the rewards. At a later period of time, you can get money and you can get a lot of cash from your ideas and from your you can say that from your any kind of the activity. So ye wo cheez hai basically. Then why start a business? An entrepreneur owns his or her business. It gives the liberty to make decisions and implement them. इस पे भी I think हम कल बात कर चुके थे, फिर repetition में आ जाएगा. अभी कुछ questions आप लोग पूछ लेंगे तो ये चीजें भी end up हो जाएंगी. How to start a business? इस पे भी हमने कल बात की थी. Writing a business plan, getting business assistance, selecting a business location, financing our own business. तो हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं. हम business कैसे करते हैं? Number one thing is that write a business plan, usko kisi paperwork mein leke aana hota hai, all tools and resources that you required for starting a business, for creating a business, as well as you need to written guide which will help in mapping out how to start and run a business successfully. Ye sari cheeze hum likhte hain usme. Ye main sikhaunga aapko aage midterm ho jaye aapka. Midterm ke baad fir hum ispe puri detail mein main discussion karunga ke aap business plan kaise likhte hain. Main aapke sath kuch business plans bhi share bhi karunga as well. To uspe detail mein discussion karenge, but after the midterm examination. And then उसपे हम सारी चीजें लिख लेते हैं. हम ये भी लिखते हैं कि क्या requirements हैं, क्या feasibility है, कितना पैसा required है, हमें क्या resources required होंगे, how many number of people we required it, initially कितने number of people required होंगे, if we go for further expansion, तो हम उसके expansions के stage में क्या करेंगे, ये सारी चीजें हम करेंगे. Getting a business assistance, so yesterday we were talking about कि जितने भी स्टार्टअप होते हैं या जितने भी ये बिजनेस आइडियाज होते हैं, इनको इनक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. मैं ये बात कर चुका हूँ. पिशावर में भी है, मैंने बताया था NIC जो है. ये हो गया. सेलेक्टिंग अ बिजनेस लोकेशन इज ऑल्सो द वन ऑफ द चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स कि कहाँ पे हम किसको स्टार्ट करेंगे. आपने देख लिया होगा या आपने विजिट किया होगा तो यूनिवर्सिटी रोड जो है वो बिजनेस लोकेशन है, बिजनेस हब है. And a lot of people are going there, and a lot of people जो हैं वहाँ पे move करते हैं और वहीं पे business start कर रहे हैं. उसकी one of the reason है कि वो जो है उसमें वहाँ business hub बना हुआ है और वहाँ पे ही लोग जाते हैं. Financing में हमने फिर बात की थी. Search for the government backed loans. Government loans provide करती हैं. Venture capitalist होते हैं and the research grants होती हैं जो help करती हैं for start any kind of the activities. पाकिस्तान में भी research grants मिलती हैं, जो प्रोफेसर्स को मिलती हैं, टीचर्स को मिलती हैं, एंटरप्रेन्योर्स को मिलती हैं, फर्म्स को मिलती हैं, इवन द प्राइवेट फर्म्स जो रजिस्टर्ड फर्म्स हैं उनको भी रिसर्च ग्रांट्स मिलती हैं, गवर्नमेंट्स देती हैं. देन फर्दरली मूविंग टू द अदर डिटरमिनिंग द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस. मैं इस पे बात कर चुका हूँ. सोल प्रोप्राइटर होगा, आप खुद इसको लेके चलेंगे, इंडिविजुअली लेके चलेंगे इस फर्म को, पार्टनरशिप्स करेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी बनाएंगे इसमें, रजिस्टर्ड करेंगे फॉर्म्स को किसी भी बॉडी के साथ, कॉरपोरेशन बनाएंगे, नॉन प्रॉफिट के लिए बनाएंगे या कॉरपोरेटेड कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनेगी.
तो इसको हमने डिटरमिंट करना होता है लीगल एंटिटीज के साथ, इसको देखना होता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर इसको करते हैं। ये भी मैं आपके साथ फर्दरली आफ्टर द मिड टर्म्स इस चीज पे डिस्कशन करेंगे, अलग से हमारा चैप्टर है जिसपे हम इन चीजों को डिटेल से देखेंगे। रजिस्टरिंग अ बिजनेस नेम लाइक डूइंग बिजनेस एज रजिस्टर्ड द बिजनेस नेम विद द स्टेट गवर्नमेंट, आप उसको रजिस्टर्ड करते हैं। नाउ डेज इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर योर बिजनेस एंड पेटेंट योर बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पेटेंट योर आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, वट एवर यू हैज द आइडिया, तो आपने उसको पेटेंट कराना बड़ा जरूरी होता है। अदरवाइज कोई आपका ही दोस्त, आपका ही फ्रेंड जो है उसको कॉपी करके अपने नाम से बना लेगा और फिर आप कहेंगे ये मेरा आइडिया था, एंड फिर आपके पास कोई उसकी कोई एविडेंस नहीं होगी। तो वो पेटेंट्स कराना बड़ा जरूरी होता है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। गेटिंग अ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नाउडेज इन पाकिस्तान, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया है। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो करना बड़ा जरूरी है। विद टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इज नीडेड टू ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेट रेवेन्यू एजेंसी, एंड यू नो दैट द थिंग्स। लास्ट इज द लास्ट स्लाइड, स्टार्ट द रजिस्ट्रिंग फॉर स्टेट एंड लोकल टैक्सेस, ये सारी चीजें हम करते हैं टैक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड वर्कर्स कंपनसेशन के लिए एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए। इफ यू पीपल नो अबाउट इट, तो मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। बहुत सी ऐसी फर्म्स हैं जो पाकिस्तान में भी काम करती हैं, तो अगर वो लेट सपोज वर्कर से रिलेटेड हैं या ऐसी फर्म्स हैं जिसमें लेबर इन्वॉल्व होगी इन फ्यूचर्स, तो अक्सर फर्म्स ये कहती हैं या अक्सर इंटरनेशनल फर्म्स ये कहती हैं कि आपके लेबर्स का जो है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होना चाहिए, और वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। उसकी रीजंस ये होती हैं कि उसके अगेंस्ट फिर वो कंपनी जो है वो इंश्योरेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। लास्ट वन इज द ऑब्टेनिंग बिजनेस लाइसेंसेज एंड परमिट्स, एंड देन अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लर्न द लीगल फॉर्मेलिटीज दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ टू हायर एम्प्लॉईज। तो ये सारी चीजें हैं जो एक बिजनेस के लिए, टू स्टार्ट अ बिजनेस के लिए एक 10 स्टेप्स का आइडिया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, एंड देन यू नो अबाउट इट। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो मैं इसको जल्दी से रैप अप करता हूं, एंड व्हेन वी गोइंग टू द आवर नेक्स्ट चैप्टर। नाउ प्लीज आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी प्लीज प्लीज आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन है एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस के मैं फर्दर चला जाऊं। सर ये जीटीएन क्या होता है? जीटीएन? हाँ जीटीएन मैंने कहाँ यूज किया? सर जैसा कि आता है हर किसी कंट्री में, तो जितने भी नए स्टार्ट होते हैं तो न्यू इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट की बात होती है, और दूसरा होती है कि स्कोप ही। तो जी 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 मेरा क्वेश्चन मिला आपको? नहीं नहीं आप बोले, मुझे आवाज आपकी नहीं आई। मैंने कहा सर एक होती है इंटरेस्ट की बात, एक होती है स्कोप की बात ना, तो पाकिस्तान में स्कोप के लिहाज से भी कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो मतलब ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं लोगों के पाकिस्तान में? देखें पाकिस्तान में तो देयर इज अ लॉट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज जो हैं जो हो रही हैं और लोग कर भी रहे हैं। एज फार एज द आईटी इंडस्ट्री इज कंसर्न, तो लोग आईटी इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, पीपल आर इन्वेस्टिंग ऑन दी आई टी इंडस्ट्री, और आई टी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो भी रही हैं। एज फार एज दी वेब डेवलपमेंट इज कंसर्न, एज फार एज दी ग्राफिक डिजाइनिंग इज कंसर्न, एज फार एज दी ऐप डिजाइनिंग इज कंसर्न, ये सारे ऐसी एक्टिविटीज हैं जो पाकिस्तान में यू कैन से डैट के वन ऑफ द लीडिंग एक्टिविटीज में से हैं। देन द फैशन डिजाइनिंग में है, फैशन डिजाइनिंग में जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बात आती है, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को लेके लोग बहुत ज्यादा interested hai, and they people are now investing in these kind of activity. And then furtherly jo food industry hai Pakistan mein, food industry ka bhi bahut zyada scope hai, and people are now investing on the food industry as well. As ye sare aise areas hain sorry jisme bahut scope hai, and people nowadays invest bhi kar rahe hain aur isme zyada cheezon ko dekha bhi ja raha hai. So many others business as well as जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है,
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया वन ऑफ द कंसर्न है जिसमें लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है बट ड्यू टू द लैक ऑफ द इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द लैक ऑफ द इंटरेस्ट जो है लोग इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे लेकिन यहाँ पे हम देखें तो हम पाकिस्तान में देखें तो ज्यादातर जो चीज ज्यादा लीड जाती है या जो लोग कर रहे हैं वो रियल इस्टेट बिजनेस है तो रियल इस्टेट बिजनेस पे ज्यादा लोगों का फोकस्ड होता है बट दैट इज नॉट रिलेटेड विद दी यू कैन से दैट कि वो कोई प्योर एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज हैं देन अदर थिंग इज दी आल्सो दी अदर एक्टिविटी इज दी हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट्स हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज जितनी भी पाकिस्तान में हो रही है that is also very one of the also very much important in the leading business activities jo ki ja sakti hain aur log kar bhi rahe hain some other things jo online businesses ho rahe hain jo online activities ho rahi hain this is also the other activities jisko hum kehte hain ki ye bhi ek one of the other aspects of the business activities hain jo pakistan mein jiski scope bhi hai aur jiska scope in futures mein bhi hai sir sir ji sir aksar आपकी आवाज मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी आपने कहते हुए सुना होगा ना कि कोई जी आवाज नहीं आ रही यार माज आपकी मैं क्या मोटिवेशनल स्पीकर्स अक्सर इस तरह कहते हैं ना कि जी क्या कहते हैं मैं कह रहा था अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स जितना कहते हैं ना कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है हिम्मत चाहिए होती है पैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपने कहा कि हर इन्वेस्टमेंट जो है कुछ ना कुछ जरूरी होती है तो स्मॉल स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे बंदा जो है बिजनेस वगैरह स्टार्ट करे इसका अगर कोई थोड़ा सा आइडिया आप दे दें देखिए इस पे तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो की जा सकती हैं जो स्मॉल स्केल्स पे होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल नंबर वन थिंग इज द वेब डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट इज वन ऑफ द थिंग्स जो स्मॉल स्केल्स पे किया जा सकता है द काइंड ऑफ द एक्टिविटीज दैट इज रिलेटेड विद द ऐप डेवलपमेंट जो होती है वो बड़ी स्मॉल स्केल्स पे होती हैं एंड देन यू कैन गो फॉर फर्दर फॉर द एक्टिविटीज रिलेटेड तो ये स्मॉल स्केल्स भी की जा सकती हैं फूड रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं वो स्मॉल स्केल्स पे होती हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज की जा सकती हैं जो स्मॉल स्केल्स पे होती हैं जी Okay sir, thank you. Any other question, Farooq? Hello, sir. Okay. वो motivation में sir. वो आपने डॉग का नाम लिया का डक का नाम लिया सर उसका स्पेलिंग क्या है और उसकी मीनिंग क्या है कौन से कहाँ पे सर वो जो इससे पहले उसमें था जो आपने मोटिवेशन में वो किया वो नाम लिया ये डक का वो डॉग है डक है क्या है सर उसकी जरूरत नहीं डिक्लाइन की मैंने बात की डिक्लाइन मैंने डिक्लाइन का वर्ड यूज किया था और डिक्लाइन को हम बेसिकली डॉग कहते हैं इन अदर वर्ड्स जो है डॉग जो है dog, वो, yes, उसको हम डिक्लाइन को हम बेसिकली डॉग भी कहते हैं डॉग का मतलब ये है कि फर्म जो है वो डिक्रीज हो गई है फर्म का जो मार्केट शेयर है वो डिक्लाइन की तरफ चला गया और सर इसकी स्पेलिंग क्या है DOG डॉग जो होता है जो नॉर्मल डॉग की हम बात करते हैं अच्छा अच्छा तो चलती सर थैंक यू अच्छा ये अब आपका आपकी जो बुक मैंने जिस बुक से मैं ज्यादातर स्लाइड्स फॉलो कर रहा हूँ या जो आपके लिए रेफरेंस बुक है वो रॉबर्ट की है और मैं इंशाल्लाह आपके साथ इसके इसकी बुक जो है वो आपको पीडीएफ पे इंशाल्लाह आज ही शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ में ये बुक अवेलेबल है मेरे पास है In fact, this book is also available on the market as well as you can also purchase from the market. तो आप market में भी ये purchase कर सकते हैं पिशावर में बहुत आराम से मिल जाती है जो last batch को मैंने पढ़ाया था उन्होंने ये book खरीद ली थी उनके पास थी ये book. ये Robert D. Hisrich इसका author है उसकी book है इसके साथ Michael P. Peters की भी है and then the Dean A. Shepherd तीन authors हैं जिसकी ये बुक्स हैं ये उन्हीं की ही स्लाइड्स हैं दिस इज नॉट माय स्लाइड्स ये ऑथर्स की अपनी स्लाइड्स हैं
और उसका जो चैप्टर है, कोई भी लेटेस्ट एडिशन, यू कैन फाइंड आउट एनी लेटेस्ट एडिशन मार्केट में. जो मैं बुक आपके साथ पीडीएफ में शेयर करूंगा वो मेरे पास 10th एडिशन है. अगर मार्केट में इससे लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल है तो यू कैन फाइंड आउट और आप उसको ले सकते हैं. नंबर वन चैप्टर जो है वो डेट इज दी एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की बात है. एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट क्या होता है, इस पर मैंने बहुत सी चीजें डिस्कस कर भी ली हैं, बिकॉज मैंने कुछ चीजें चैप्टर वन से ऐड की हुई हैं और चैप्टर टू से भी ऐड की हैं. जो आपकी बुक्स के चैप्टर वन एंड चैप्टर टू है वहीं से मैंने ऐड अप किया है. जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे. वो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपके पास बुक्स होंगी और ये मेरी जो ऑडियोज आपके पास होंगी तो ये आपको हेल्प करेंगी उन क्वेश्चंस को आंसर्स करने में, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव अ सफिशिएंट टाइम टू आंसर दोस क्वेश्चंस. तो वो ऐसे स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं होंगे कि व्हाट डज इट्स मीन बाय द एंटरप्रेन्योरशिप, मैं ऐसा कुछ पूछूंगा या मैं ये पूछूंगा कि कोई 10 steps बता दें जो बिजनेस आइडिया को स्टार्ट करने के लिए हैं. तो ऐसे नहीं होंगे, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे. तो वो आपको बुक में से या तो मिलेंगे या यू कैन गेट इट फ्रॉम माय ऑडियो एज वेल एज या आप उसको खुद सोचेंगे, उसको खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो वहां से मिलेंगे. लेकिन यही पहले 2 chapters से ही मिलेंगे. मैंने 2 chapters से ही उसको बनाया है. फर्स्ट 2 chapters से ही उसमें से क्वेश्चन बने हैं. इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे इंशाल्लाह, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. अच्छा, एंटरप्रेन्योर पे बात हो चुकी, मैंने जो अपनी स्लाइड शेयर की थी उस पे मैंने बता दिया. मैं क्वेश्चंस लेता हूँ आप लोगों से फिर. एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु टेक्स इनिशिएटिव टू बंडल रिसोर्सेज इन इनोवेटिव वेज एंड इज विलिंग टू बेयर द रिस्क एंड आर अनसर्टेनिटी टू एक्ट. बींग एन एंटरप्रेन्योर टूडे इन्वॉल्व्स क्रिएशन प्रोसेस, requires devotion of time and effort, involves rewards of being an entrepreneur, requires assumption of necessary risk. So all these issues or all these concepts is already discussed with you people yesterday during my previous jo slides thi, chapters maine banayi hui hain, aapke sath discuss kar diya. Entrepreneurial action kya hai? Entrepreneurial action relate karta hai, that is with the action through the creation of the new products and then as well as the new products and then the new processes and then third thing is the entry into the markets or entry into the new markets. Aap is tarah se kar le isko, 3 points mein isko kar le. Entrepreneurial action ki jab hum baat karte hain to number one thing is that the creation of a new products, the creation of the processes or entry into the new markets ki hum baat karte hain. And that this may occur through a newly created organization or within an established organization. में हम बात करते हैं जो कल students ने जो बात की थी कि हमने उसको newly established जो business था उसको further expand कर दिया, उसको further बेहतर कर दिया. वो सारी चीजें जो है entrepreneurial actions में आती हैं. That is behavior in response to a judgmental decision under uncertainty about a possible opportunity for profit. तो आप किसी भी uncertainty को possible opportunity को convert करते हैं profit में, और वो आपकी अपनी judgmental decisions होती हैं जिसकी बेस पर आप businesses start करते हैं, business की तरफ चलते हैं. अच्छा, now this is also very important thing that the aspects of the entrepreneurial process जो है मैं इसको थोड़ा सा explain करता हूँ तो आपको बड़ा अच्छा तरीके से क्लियर हो जाएगा. स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा अपॉर्चुनिटी असेसमेंट होती है, क्रिएशन एंड द लेंथ ऑफ द अपॉर्चुनिटी है, रियल एंड द परसीव्ड वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी है, रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटी वर्सेस पर्सनल स्किल्स एंड द गोल्स हैं, कंपेटिटिव एनवायरमेंट की बात हो रही होती है. ये सारी एक्टिविटीज हैं एंड देन मूविंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द industry and then the technology plan, the marketing plan, financial plan, production plan, organization plan and all these kind of the activities jo hum develop up karte hain for any kind of the business plans.
एंड देन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, जो हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं उस पर भी मैंने कल कुछ डिस्कशंस की थी, हम कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिसके लिए आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ केमिकल कंपनी और इफ यू वॉन्ट टू वर्क फॉर एनी केमिकल फर्म or you design any new chemical for any kind of the purposes in the market, to aapko wo kahan se mil sakta hai, uska raw material kahan se milega, raw material let's suppose you need to identify it ke wo Pakistan mein mil raha hai nahi mil raha hai, you need to explore these kind of the things, to ye sari cheeze hum usme explore karte hain. तो ये जो चीजें होती हैं इसको हम रिसोर्सेज की बात करते हैं. रिसोर्सेज में हम देखते हैं रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज को. अब यहाँ पे देखो आइडेंटिफाई एंड एवेल्युएट द अपॉर्चुनिटीज में हम जो बात कर रहे हैं रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब है. रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि जो आप रिस्क ले रहे हैं उसका रिटर्न कितना होगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट के वी आर इन्वेस्टिंग सो मच मनी on any kind of the business, on any kind of the activities, तो उसका risk कितना, उसमें sorry risk भी और return कितना है. For example, if I am saying that, and if I am quoting that, if you want to start any kind of the branded product, let's suppose in the Peshawar, तो there is a lot of branded products already available in Peshawar. Let's suppose diners available है, let's suppose ideas brand available है. Let's suppose you can say that ke Nishat available hai. Let's suppose we can say that so many other brands isme bol rahe hain jo already available hain. Wo products bhi available karte hain. Wo products ki cost ko dekhna hota hai. For example, let's suppose you can say that ke you want to aap ek business mein aate hain shirts banate hain. जैसे अभी बच्चे ने पीछे बात की कि सर कौन कौन से बिजनेसेस पे किया जा सकता है, ये तो मैं बात कभी होपफुली कहीं पे हम मिलते हैं तो हम वहां पे डिस्कशंस में ज्यादा करेंगे क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है. तो आई डोंट वांट टू डिस्कस सो मेनी थिंग्स इन द डिटेल्स एज फॉर एज दैट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न. तो मैं आपके साथ कभी डिस्कशंस में लेके आऊंगा एंड देन आई कैन डिस्कस विद यू इन डिटेल्स एंड आई कैन इफ यू आर इंटरेस्टेड to start any kind of the business ventures or any kind of the business activities, so I can also share with you as well as. ठीक है, ये क्यों आप line draw कर रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, please इस तरह की चीजों को मत करें. मैं ज्यादा focus कर रहा हूँ class में and end up करना चाह रहा हूँ इसको. ठीक है, please avoid these kind of things. Then risk and returns. For example, मैं बात कर रहा था shirts की और इसकी मैं बात कर रहा था, तो मैंने शर्ट्स और उसकी बात की कि ऑलरेडी मार्केट में लेट सपोज आप ये देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि जी लेट सपोज फॉर एग्जांपल शर्ट्स अवेलेबल हैं पिशावर में 600 रुपीस की. अब आप भी यही बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप भी एज एंटरप्रेन्योरशिप यही कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपने ये देखना होता है कि ऑलरेडी मार्केट में 600 रुपीस की एक शर्ट अवेलेबल है. क्या वही शर्ट आप 600 की बना सकते हैं या नहीं, आपकी कॉस्ट जो है वो 600 से ज्यादा की है. अगर वो 600 से ज्यादा की कॉस्ट है तो फिर आप कंपीट नहीं कर सकेंगे मार्केट में. रिटर्न्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी जो है वो कम हो जाएगा, रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा. सो दिस ऑल ऑफ द काइंड ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे एक माइंड में होती हैं जब हम आइडिया identify and evaluate the opportunity को देख रहे होते हैं. ये बड़ी बड़ी important चीज होती है, ये बड़ा matter करती है whenever you starting any kind of the business in let's suppose Peshawar. अपने ये देखना होता है कि Peshawar में trend क्या चल रहा है, Peshawar में products जो है वो sell कितने की हो रही है, and then based on that thing आप उसके accordingly अपने products को launch करते हैं और वो risk factors को measure up करते हैं और फिर उसको देखते हैं. The other thing is that identifying, जो स्टूडेंट ने बात पूछी थी, माज ने जो बात पूछी थी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसने अराइज अप किया कि सर क्या एरियाज होते हैं. द फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है, एंड दैट इज टू आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएट, आर वी कैन से दैट ऑब्जर्व द मार्केट. ऑब्जर्वेशन ऑफ द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना होता है. पिशावर जैसे मार्केट है उसको ऑब्जर्व करें, उसको देखें कि वहां पे कौन से एरियाज हैं जो लैक करते हैं. आस्क फ्रॉम द पीपल
पीपल कैन गिव यू द रिप्लाइज, पीपल कैन गिव यू वेरी गुड क्लूज. हम कहते हैं कि जी लोगों को क्या पता होगा, लोगों को बहुत अच्छा पता होता है. दे कैन गिव यू द एक्यूरेट रिप्लाइज फॉर एनी काइंड ऑफ द न्यू वेंचर्स, फॉर एनी काइंड ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटी. जैसे पाकिस्तान में आपने देखा होगा ये जो इजी लोड वाला सिस्टम आया पाकिस्तान में, जो टेलेनॉर ने किया, ये किन्होंने किया था? ये हम जनरल पब्लिक ने ही ये कॉन्सेप्ट टेलेनॉर को दिया था इनिशियली. एयरटेल वाले जो इंडिया में ये काम कर रहे थे, बट पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा था, तो पाकिस्तान में टेलेनॉर ने इस कॉन्सेप्ट को किया और एक सर्वे के थ्रू किया. आई रिमेम्बर एट द टाइम ऑफ द 2006, आई स्टिल रिमेम्बर दैट टाइम. एट दैट टाइम दैट जैस कंपनी इज वॉज द लीडिंग कंपनी, स्टिल दे हैज द 2% शेयर मोर देन द टेलेनॉर. आई थिंक इज 2% या 1% का फर्क है टेलेनॉर और जैस का. जैस उसको स्टिल लीड करता है और टेलेनॉर उसको सेकेंड नंबर पे रखता है, लेकिन दोनों कंपेटिटर्स हैं, दोनों एक दूसरे के टफ राइवलरीज में आते हैं. तो उस टाइम पे टेलेनॉर ने ये इजी पैस, इजी लोड वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है. देन लोग जो है 50 रुपीज 60 रुपीज अपनी मर्जी का जितना भी लोड करना चाहते हैं, 20 रुपीज 10 रुपीज 15 रुपीज 100 रुपीज 20 रुपीज 200 रुपीज 500 एंड जो सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो ये कॉन्सेप्ट्स था. तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको कहाँ से मिलते हैं? ये कॉन्सेप्ट्स आपको जनरल पब्लिक से मिलते हैं, एंड दैट यू कैन इवेल्युएट द अपॉर्चुनिटीज. ये हैं यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है. देन जो कंपेटिटिव मार्केट की मैंने बात की, अभी मैंने आपको बात की कि हाउ कैन यू कम्पीट द डाइनर्स, द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग द मार्केट. सो द थिंग इज दैट यू कैन स्टडी योर मार्केट, यू कैन इवेल्युएट द मार्केट रेगुलरसली. इट डजंट मीन कि ये आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे. हम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि as a students or as a teacher of the entrepreneur, मैं आपको कोई discourage करने की बात कर रहा हूँ कि लोगों ने business खोल लिया तो आपके पास कुछ करने को है ही नहीं, अब आप कुछ नहीं कर सकते. You can do a lot of things, but the thing is that you evaluate it, you find out. यहाँ पे जैसे उसने सबसे पहली बात यही की, opportunity assessment. You need to assess all the things, you need to go for all the activities and फिर उसके accordingly आप कंपैरेटिव करते हैं, एनालिसिस करते हैं. ये मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करना चाह रहा, दैट द बिजनेस प्लान वाला एरिया जो है, इस पे हम फिर पूरा चैप्टर है उस पे मैं डिस्कशंस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन दैट हाउ कैन वी वर्क एंड हाउ कैन दैट थिंग्स वर्क. और कुछ चीजें मैं इसमें बता भी चुका हूँ, मार्केटिंग प्लान एंड फाइनेंशियल प्लान, और ये जो कुछ चीजें मैं बताई भी हैं. बट द अदर एस्पेक्ट्स, द प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लान, इनको हम फिर आगे फर्दरली देखेंगे डिटेल से. अभी मैं कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों को, जस्ट आपको मिड टर्म तक फोकस रखना चाह रहा हूँ. रिसोर्सिस की भी मैं बात कर चुका हूँ, आइडेंटिफाइंग रिसोर्स गैप्स एंड अवेलेबल सप्लायर्स की भी हमने बात की. आपने देखा होगा अमेजोन में और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे ही स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे ही अपने जो हमारे बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, दे आर डूइंग द एक्टिविटीज ऑन द अमेजोन, दे आर डूइंग बिजनेस ऑन द अमेजोन, दे आर इन्वेस्टिंग ऑन द अमेजोन और उस पर पैसा बना रहे हैं, पैसा वो बन रहा है उनका और वो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं है, कुछ नंबर्स में स्टूडेंट्स हैं. इसी तरह से मैंने आपको कल बताया था कि और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपने बिजनेसेस पे करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं. आपने ये देखना होता है, द नंबर वन थिंग इज दैट वट एवर यू आर डूइंग इट, वट एवर द काइंड ऑफ द एक्टिविटीज यू आर डूइंग इट, उसके अवेलेबल सप्लायर्स कहाँ पे हैं. दैट अवेलेबल सप्लायर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ से, वो प्रोडक्ट्स आप लेंगे कहाँ से. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से डैट के वो उसके लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो कहाँ पे अवेलेबल होगा. देन जब आप वो प्रोडक्ट बना लेंगे, दैट हाउ कैन यू प्रमोट दैट प्रोडक्ट, वो सप्लायर कौन होगा उसको, वो अवेलेबल कैसे होगा मार्केट में, उसको रिटेलर्स कैसे अवेलेबल करेंगे, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ जो है इसमें लिंक किया जाता है, इसको भी फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे. मैनेज द एंटरप्राइज, अंडरस्टैंड की variables for success, develop management style, ये सबसे बाद में आता है. As an individual, ये management style and these all the kind of the stuff जो है ये बाद में आता है और ये बाद में इसको हम देखते हैं. Implement control system, develop growth strategy. Growth strategy को आप develop करते हैं, link up करते हैं. Growth strategy पे भी मैं discuss करूंगा इंशाल्लाह बाद में, जब मैं
आपसे कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा एंड देन फिर मैं इस पे डिस्कशंस करूंगा। मेरे पास आगे चैप्टर्स हैं जिसमें मेन चीजों को बड़े डिटेल्स में जाके इस पे बात कर सकता हूँ। सिर्फ स्मॉल स्केल में ये बता देता हूँ आपकी कंफ्यूजन खत्म करने के लिए कि ग्रोथ स्टेज का मतलब ये होता है कि ग्रोथ स्टेज स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि हाउ कैन यू प्रमोट योर प्रोडक्ट। यू विल गो टू द डिफरेंट रिटेलर्स or you can go visit face to face sorry or you can go with visiting to the different shopping malls where you can promote your product or what others kind of the strategy you are using it to uske accordingly aap in cheezon ko kar rahe hote hain to ye is tarah se growth strategy link up ho jati hai। Then moving further is the entrepreneurial process hai, opportunity identification, the process by which an entrepreneur comes up with the opportunity for a new venture, market size and the length of the window of opportunity are the primary basis for determining the risk and rewards। ab market size ko dekhte hain, is pe humne kal baat ki thi if you remember it, to maine aapko bataya tha ki log india ko kyun zyada prefer karti hain, log se mera matlab international firms unko kyun favor karti hain because of that market size is one of the factor, one of the element jo usme determine karta hai। opportunity identification jaise agar main Peshawar mein baat karta hu, badi simple si baat kar lete hain, Dalazak road ki hum baat karte hain to hum yahan pe baat karte hain ki yahan Salman bakery open hui to Salman bakery ne yahan jab start liya to this is basically one of the opportunity identification। kyun? kyunki yahan pe koi aur bakery शॉप नहीं थी, दैट्स व्हाई यहाँ पे उसने ये स्टार्ट किया और नाउ दे आर वेरी सक्सेसफुली उसको रन करते हैं। अनदर थिंग इज यहाँ पे जो उमर फार्मेसी ओपन हुआ है इसी रोड पे, दलाजाग रोड की ही मैं बात कर रहा हूँ, कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, कहीं आपको न्यूयॉर्क और कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ। नमाज का भी टाइम होने वाला है और हम इसको नमाज के लिए फिर ब्रेक ले लेंगे देन तो ये वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन में आती है। Then the market size बहुत matter करती है। Market size, let's suppose you can say that कोई भी remote area है, let's suppose we can say that तो हम remote areas या rural areas में इस तरह की activities नहीं कर सकते हैं। वहां पे local shops होती हैं, local businesses होते हैं, लेकिन वो limited होते हैं। Because one of the factor is the market size and the length of the window of the opportunity जो होती है। Window of the opportunity is the time period available for creating a new venture। जो आप एक्टिविटी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द एलन मस्क फर्म जो हमने बात की उसकी टेक्नोलॉजिकल और एयर स्पेस से रिलेटेड जो उसकी फर्म है और जो वी कैन से दैट एज वेल एज दैट द अनदर एस्पेक्ट्स इज रिलेटेड विद द जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड फर्म्स उसकी रिलेटेड है। तो हमने ये देखना होता है कि एक बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो न्यू वेंचर का टाइम कितना लगेगा, उसको बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना पैसा रिक्वायर्ड होता है। अगर आप कोई लार्ज वेंचर्स की बात कर रहे हैं तो जारी बात है कम से कम एक साल लग सकता है, कम से कम दो साल लग सकते हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें टाइम फ्रेम ज्यादा होता है और उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं। देन द बिजनेस प्लान इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस। जी सर, ये नमाज का टाइम है, अगर थोड़ा ब्रेक मिल सकता है सर। जी जी हाँ, ब्रेक कर लें जी, ब्रेक कर लें जी। या कूमे सर।